का है कि वो ब्रेन ट्यूमर के लिए लेजर की तरह लेजर थेरेपी के हिसाब से ये सर्जरी होती है। तो जो पेशेंट होते हैं वो अपने पैरों पे आएंगे और पैरों पे ऊपर चल के चले जाएंगे। तो ये इस सर्जरी के जरिए ना आपका खून भरेगा ना अधिक पैसा लगेगा, और 30 मिनट में, जैसा कि डॉक्टर यहाँ से बताते हैं कि 30 मिनट में आप यहाँ से सर्जरी करा के जा सकते हैं, और वो भी कम खर्चे पे। फ्रेंड्स, ये है अपोलो हॉस्पिटल, और यहाँ पे देख सकते हैं किसी चीज़ का लॉन्च है यहाँ पे, ग्रैंड लॉन्च ऑफ जैप। सर, 30 मिनट में कैसे संभव है सर्जरी है? ये डिपेंड करता है कि साइज कितना बड़ा है ट्यूमर का जी। अगर ट्यूमर का साइज रेडिएशन 30 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, ट्यूमर ऐसे काफ़ी सारे ट्यूमर्स होते हैं, डीप सीटेड स्मॉल ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, स्मॉल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, उनका 30-45 मिनट में ट्रीट कर सकते हैं। कितना रिस्की रहेगा ये? नहीं, एज सच कोई जो सर्जरी के रिस्क होते हैं ओपन सर्जरी के, जब आप अंदर जाते हैं वी यूज़ नाइफ एंड डिसेक्शन, वो इस तरह के रिस्क, इसमें रिस्क ऑफ लाइफ डेवलपिंग न्यू डेफिसिट बॉडी में कोई कमी है, वो डेफिसिट इसमें रिस्क इसमें नहीं है। नहीं, तो मेनली लेजर के द्वारा होगा ये, रेडिएशन के द्वारा जी। थैंक यू। हाई एनर्जी रेडिएशन विच इज़ वेरी फोकस्ड जी जी। और खर्च कितना बैठेगा? जितना नॉर्मल सर्जरी में होता है उतना ही खर्च, कोई एडिड कॉस्ट नहीं है जी। थैंक यू सर। अपोलो हॉस्पिटल यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ सामने हल्दीराम है, नेस कैफे है, और यहाँ देखिए गिफ्ट शॉप भी है। ये हॉस्पिटल है अपोलो सरिता विहार, और यहाँ पे देखिए आप, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं ऑर्थो केयर की। तो अभी कहाँ जाना हमें, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे घूमते घूमते मैं थक गई। ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर आके, ठीक है। तो कोई इधर बता रहा है, कोई उधर बता रहा है, बहुत दूर में है हॉस्पिटल के अंदर ही इतने सारे शॉप है, इतने सारे। तो चलिए चलते हैं अभी ऑडिटोरियम में। विशेस फॉर बोथ टू यू एज़ वेल। दिस इवेंट मार्क्स अ न्यू चैप्टर इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द स्कर्ज ऑफ कैंसर व्हिच वी हैव सीन इंक्रीजिंग रैपिडली इन द पास्ट डेकेड और सो। बट बिफोर आई गेट टू द सब्जेक्ट ऑफ द डे, आई मस्ट एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम to our founder chairman. Welcome and thanks to senior clinicians, colleagues, friends, everybody who is in this packed hall here today. Some housekeeping is over a decade that we've been protected. And just about the medical insurance, does it come? Yes, it's a new modality. In time, the medical come this way. Thank you. Any other questions? तो फ्रेंड्स, सब जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग। ये है स्टोरी, वहाँ जो है मशीन आपको पूरी डिटेल में मैं दिखाऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जो मशीन अभी आई है तो उसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको तक पहुँचाऊँगी। फ्रेंड्स, ये है देश का सबसे पहला ऐसा सर्जरी जिसमें आपको कोई ट्रीटमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ना खून बहेगा ना सर्जरी होगी। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होगा। तो ये है जेपेक्स रेडियो सर्जरी, जिसमें खर्च बहुत कम खर्चे में आपकी सर्जरी हो जाती है। जैसे नॉर्मल खर्च आता है, इस तरह के खर्चों में ये आपकी सर्जरी हो जाती है। तो ये है सर्जरी का नया टेक्निक, जो कि आप 30 मिनट्स में अपने घर तक जा सकते हैं इस सर्जरी के जरिए। और इस सर्जरी में और क्या क्या सुविधाएँ हैं आपको पूरी डिटेल बता दें। ऐसे ट्यूमर जिनको आप अगर ऑपरेशन करने जाएंगे और दोनों ट्यूमर टिश्यू को आप खराब करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है रेडिएशन के द्वारा जो ये ट्रीटमेंट होगा, लेजर सर्जरी होगी इसका, ये आपको 30 मिनट में संभव हो सकेगा, और वो भी बिना किसी कटिंग कट किए हुए या फिर ऐसा।
सर्जरी के लिए, तो ये है रेडियस नेकर। फ्रेंड्स मैं थी यहाँ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में, और यहाँ जो है ब्रेन सर्जरी के लिए, आपको मैंने बताया दिखाया था ब्रेन सर्जरी के लिए जो नया टेक्निक आया है उसी के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो आपको पूरी वीडियो देख के कैसा लगा और बताइएगा। ये 30 मिनट्स में है और इसका जो खर्च है ना, वो आपको नॉर्मल सर्जरी जो होती है उसी तरह का इसमें भी खर्च आएगा। और इसमें है जो है आपको ऑपरेशन जो होता है, कैंची छुरा नहीं लगना है और ना ही खून बहेगा इसमें, और आप 30 मिनट में आपका इलाज संभव हो पाएगा। और जहाँ तक डॉक्टर से बात हुई तो बताया उन्होंने कि 3 से 4 दिन आपको एडमिट करना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन तो नहीं है, ये लेज़र ट्रीटमेंट होगा, लेज़र भी नहीं, रेडियोलॉजिस्ट का ये ट्रीटमेंट होगा। मैं हूँ दिल्ली के सरिता विहार अपोलो हॉस्पिटल में, और यहाँ जो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली थी ये है ब्रेन सर्जरी का 30 मिनट में इलाज किस तरह से संभव होगा, बिना कट किए, बिना इसके कैंची पूरा लगाए हुए। तो पूरी वीडियो हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये है वो मशीन जिसमें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मरीज को लिटा दिया गया है, और यहाँ से मरीज अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद इसका 30 मिनट में इसी मशीन के जरिए आपको रेडिएशन के थ्रू आपको ये ट्रीटमेंट किया जाएगा ब्रेन ट्यूमर के लिए। तो इस तरह से आपको कम खर्चे में आपको ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जैसे कि आम सर्जरी जो होता है उसमें जो खर्च आता है उतना ही तकरीबन इस सर्जरी के जरिए भी खर्च आएगा। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए।